दोस्तों पिछले 20 दिनों से मैं अपने OnePlus 12 R में सितंबर का अपडेट यूज कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो में दोस्तों बैटरी लाइफ से लेकर हीटिंग इश्यू से लेकर सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे अपने OnePlus 12 R की परफॉर्मेंस कैसी लगी और बैटरी लाइफ सारा कुछ कैसा है। और अगर आप चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों सितंबर का दूसरा अपडेट है। एक अपडेट लगभग 1GB 1100MB का आया था, 1.1GB का, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। ये अपडेट दोस्तों उसके बाद लगभग एक हफ्ते 10 दिन बाद ये अपडेट आया था। तो ये अपडेट दोस्तों अगर मैं यहाँ आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊं, तो ये अपडेट है दोस्तों EX01U130P00 अपडेट। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप लोगों को यहाँ दिखा दूंगा। तो ये अपडेट दोस्तों आई थिंक 150-200 MB का था और इसमें दोस्तों थोड़े बहुत फोटोज वगैरह के कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं और सिस्टम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, ऐसा OnePlus का कहना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बैटरी लाइफ का दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा ही है। तो जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोस्तों 3% में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और स्क्रीन ऑन टाइम आप देखेंगे 6 घंटे और 8 मिनट का है और यूज्ड सिंस लास्ट चार्ज यानी कि स्टैंड बाय टाइम लगभग 19 घंटे का था। और ये 19 घंटे इसलिए था दोस्तों, ये और कम होता मैंने फोन को रात को चार्ज किया था अराउंड में, यहाँ स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। तो मैंने फोन को रात को चार्ज किया था 12:41 में। तो रात को मैंने थोड़े देर चलाया, फिर रात भर फोन स्टैंड बाय में था इसलिए इतना ज्यादा स्टैंड बाय मुझे मिला, नहीं तो स्टैंड बाय इतना ज्यादा नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 6 घंटे का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला, वो भी मैंने वाईफाई पे यूज़ किया था मैक्सिमम ऑफ द टाइम, अराउंड 60-70% टाइम मैंने वाईफाई पे यूज़ किया था, घर पे ही था मैं तो वाईफाई पे मैंने यूज़ किया था। तो अपडेट के बाद दोस्तों ये अपडेट के बाद स्पेशली मुझे बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम महसूस हुई है। मतलब पहले वाले अपडेट में मुझे बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई थी, 7-8 घंटे मेरा चल जाता था, लेकिन इस अपडेट में दोस्तों कब बैटरी खत्म हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। और मैंने जानबूझ के दोस्तों कम से कम 20 दिन वेट किया इस अपडेट रिव्यू को डालने से पहले, क्योंकि ऐसा भी होता है कि शुरुआत के 2-4 दिन बैटरी अच्छी नहीं चलती, बाद में बैटरी अच्छी हो जाती है। लेकिन अभी भी दोस्तों बैटरी लाइफ में वही कहूँगा 6 घंटे 6.5 घंटे का SOT मुझे मिला है। और अगर बैटरी हेल्थ की बात करें दोस्तों, मेरा बैटरी हेल्थ पहले तो 100% था, लेकिन जो पिछला वाला अपडेट आया था जो 1GB का अपडेट था उसमें मेरी बैटरी हेल्थ 99% हो गई और अभी भी 99% मेरी बैटरी हेल्थ है। तो इस अपडेट के बाद दोस्तों मुझे बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिली है और लैग वगैरह दोस्तों फोन नहीं करता, एनिमेशन वगैरह सब कुछ स्मूथ है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फोन लैग कर रहा है या फिर कुछ ऐप वगैरह क्रैश हो रहा है, सब कुछ मक्खन की तरह फोन में वर्क कर रहा है, सिर्फ बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम मुझे थोड़ी महसूस हुई है। और हीटिंग दोस्तों कभी कभार मुझे ऐसा लगता है, शायद गर्मी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार दोस्तों मुझे हीटिंग महसूस होती है फोन के बैक पैनल पर जब मैं वीडियो करता हूँ या फिर फोन को बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ। मतलब अगर मैं 5 मिनट में एकदम फोन को जल्दी यूज करता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप भी खोल ली, फोटो भी कैप्चर करके व्हाट्सएप में भेज दी, व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड कर दी, उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक में मैंने स्विच कर रहा हूँ, तब जाकर दोस्तों फोन हीट होता है। तो ये मैंने एक चीज नोटिस करी है। तो इस अपडेट के बाद दोस्तों बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई, लेकिन लैग वगैरह की प्रॉब्लम या फिर फोन हैंग होने की प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखी है। एनिमेशन वगैरह बिल्कुल ही स्मूथ है पहले की तरह, फोन बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्किंग कंडीशन में चल रहा है और ग्रीन लाइन वगैरह अभी तक मुझे नोटिस नहीं हुई 20 दिन के अपडेट के बाद। और अगर एंडिंग की बात करूं दोस्तों, कंक्लूजन की बात करूं कि आप लोगों को ये अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर कहिएगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम महसूस हुई है नहीं महसूस हुई है। और मैं दोस्तों ये कहूंगा कि इस अपडेट को ऐसी कोई नया, मतलब आजकल क्या हो गया ना दोस्तों अपडेट में कि कुछ नया फीचर ऐड नहीं होता है, अपडेट करने के बाद वही सेम पुराना फोन हमें मिलता है। तो मैं कहूंगा दोस्तों अपडेट्स को आप स्किप करिए जब तक कोई मेजर अपडेट नहीं आ जाता, जैसे कि जून में जो मेजर अपडेट आया था लगभग 1.5GB का जिसमें हमें पूरा UI चेंज मिला था, वैसे अपडेट जब तक नहीं आते दोस्तों मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप फोन को अपडेट ना करें। क्योंकि आप खुद से ही पूछिए अपडेट के बाद क्या आपका फोन फास्ट होता है या फिर कुछ अलग चीज हमें फोन में नोटिस होती है नहीं नोटिस होती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी रेकमेंड करता था। हाँ, जून जुलाई की बात अलग थी जहां पर अपडेट बहुत ही अच्छे आ रहे थे, लेकिन अभी दोस्तों फिर से OnePlus का पुराना चालू हो चुका है कि अपडेट भेजते हैं लोग बस नाम के लिए। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, आप अगर अभी आपका फोन अच्छी तरीके से चल रहा है तो अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है अपने OnePlus 12 R को या फिर OnePlus के दूसरे डिवाइसेस को। आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगली मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।